नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है उन्नति कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा लुसेंट बुक वीडियो पार्ट 5। इसमें आज हम कवर करेंगे ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में। आज हम बात करेंगे भारत के यवन राज्य के बारे में कि किस तरह से भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारी जो भी थे उनका क्रम क्या था और उनका नाम क्या था, उन्होंने भारत में आकर के क्या क्या फेर बदल करे। जैसे कि मैक्सिमम स्टूडेंट जानते होंगे, सबसे पहले हिंदू यूनानी भारत आए, फिर शक आए, फिर पहलव आए, फिर आए कुषाण। उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, कोई इस पर दिक्कत नहीं है। और इसका जो भी कालक्रम था इसके बारे में थोड़ा सा हम डीप स्टडी करेंगे। उसके बाद में आपको बताऊँगा गुप्त साम्राज्य के बारे में कि इसकी स्थापना किसने करी थी, संस्थापक कौन थे इसके, इस सब चीज़ के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, और ये सब्सक्राइब करना पूरी तरह से निःशुल्क है, फ्री है। कुछ लोगों को लगता है कि सब्सक्राइब करने के बाद में हमारे अकाउंट से कुछ पैसा कट जाएगा, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं जिनको नहीं पता होता, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री है, बिंदास सब्सक्राइब करें। और उसके बराबर में आपको दिखाई देगा बेल आइकन, तो उस बेल आइकन पे भी क्लिक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। इससे पहले के जो भी पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और यह है पार्ट 5। पार्ट 4 तक में हमने काफ़ी सारे पेजेस इस बुक के कंप्लीट करे। अब हम बात करते हैं पार्ट 5 की ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में। देखिए, पुष्यमित्र शुंग जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। देखिए, शुंग वंश की नींव किसने डाली, एग्जाम में आपसे ये पूछता है। ठीक है, मैं केवल वही फैक्ट आपको कवर करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो शुंग वंश की नींव किसने रखी थी, उसका नाम क्या था, उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। तो यहाँ पे इसको एक बार पेन डाउन कर लो, इसको अपनी नोटबुक में कहीं पर नोट कर लीजिए। आगे बात करते हैं कि शुंग शासकों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था। शुंग शासकों की राजधानी क्या थी, एग्जाम में ये पूछता है, तो आप याद रखिएगा विदिशा। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित करा था। किसने किसको पराजित करा था, एग्जाम में ये पूछता है आपसे, तो याद रखिएगा इंडो यूनानी शासक जो था मिनांडर, इसको क्या करा था, पुष्यमित्र शुंग ने पराजित कर दिया था। दोनों के बीच में एक वॉर हुआ था, एक युद्ध हुआ था जिसमें हार किसकी हुई थी, मिनांडर की। आगे बात करते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने दो बार अश्वमेध यज्ञ कराया था और इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। दो बार अश्वमेध यज्ञ किसने कराया था, जब ब्राह्मण साम्राज्य जब स्टार्ट हुआ था तो वो कराया था आपका पुष्यमित्र शुंग ने। देखिए, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, देखिए हमने बात करी कि इसका संस्थापक कौन था, किसने इसकी नींव रखी थी, ये तो थे पुष्यमित्र शुंग, लेकिन बात करते हैं इसका अंत कहाँ पे हुआ। शुंग वंश का अंतिम शासक जो था वो था देवभूति। क्यों, कैसे हुआ इसका अंत, इसका अंत हुआ एक हत्या के द्वारा। इसकी हत्या करी थी 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने इसकी हत्या कर दी थी। देखिए, आपको एक एक लाइन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूंगा आपको एक एक लाइन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल फैक्ट पढ़ना है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आप किसी रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, या फिर ऑल ओवर आप कोई भी ऑल ओवर इंडिया में किसी कोई भी फॉर्म भरते हैं, अगर वहां पे जीएस पूछी जाती है तो यहाँ से बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके साथ अगर आप वीडियो वॉच कर रहे हैं तो वीडियो को आप कोई प्रवचन समझ के मत सुनिए, प्रवचन समझ के सुनेंगे तो प्रवचन जैसे नंबर आएंगे फिर आपके। ठीक है, पेन पेपर उठा लीजिए, नोट्स बनाइए और इसको पूरी ईमानदारी से वीडियो को देखिए, नोट्स अभी बनाइए, दोबारा एक बार और वॉच करना इस वीडियो को, दोबारा जब आप वॉच करेंगे उसके बाद में आप अपने नोट्स को उसके साथ टैली करना। आगे हम बात करते हैं सातवाहन वंश की स्थापना किसने करी थी। देखिए, सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना करी। किसने करी थी, ये करी थी सिमुक ने। ठीक है, सिमुक ने एक की हत्या करी थी, उसके बाद में ये सातवाहन वंश का संस्थापक बन गया था, इसने सातवाहन वंश की स्थापना करी थी। एग्जाम में सातवाहन से संबंधित आपके सीएचएसएल में कई बार क्वेश्चंस पूछता है, तो इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं
10+2 के, तो उसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। बढ़ते हैं आगे, देखिए अब हम बात करते हैं आपसे कि सातवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से थे। सिमुख, सातकर्णी, गौतमीपुत्र, सातकर्णी और विशिष्ट पुत्र पुलुमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी। देखिए ये सब तो इसके शासक थे, देखिए इनमें से जो इम्पोर्टेंट शासक हैं केवल और केवल मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा। देखिए सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूह यज्ञ किया था, ठीक है आप याद रखिएगा, किसने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूह यज्ञ करवाया था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था सातकर्णी। और ये किस वंश से संबंध रखता है, ये रखता है सातवाहन वंश से संबंध। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार 2 थे, उनके नाम क्या थे, उनके नाम थे हाल एवं गुड़ाडे। हाल ने गाथा सप्तशतक तथा गुड़ाडे ने ब्रह्म बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना करी थी। देखिए सप्तशतक पुस्तक किसने लिखी थी और बृहत कथा नामक पुस्तक किसने लिखी थी, वो आपसे ये पूछता है। उनके नाम, उनके रचयिता के नाम, उनके लेखक के नाम आपको याद रखना है, क्या गाथा और गुड़ाडे। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबा, सीसा, प्रोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया था। देखिए जो ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का शुरुआत या फिर आरंभ किसने करा था, कौन से शासकों ने करा था। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो मैं इसलिए बार बार आपसे नहीं बोलूंगा, जो जो मैंने हाईलाइट कर रखा है उसको आप तुरंत अभी याद करेंगे, तुरंत अभी याद करेंगे और उसको पेन डाउन करेंगे, उसमें आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतेंगे, राइट। देखिए भूमि अनुदान का जो शुरुआत करी थी वो करी थी सातवाहन शासकों ने, और सातवाहन की भाषा क्या थी, इनकी भाषा थी प्राकृत एवं लिपि थी इनकी ब्राह्मी लिपि। अब बात करते हैं कि सातवाहनों का समाज किस प्रकार का था, इनका समाज था मात्र सत्तात्मक। और सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां क्या थी, कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किसने बनाई थी, ये बनाई थी आपकी सातवाहन ने। देखिए अगर आपको तैयारी करते हुए 5 to 6 months हो चुका है और आपने 6 months में अब तक 5 to 6 मॉक टेस्ट लगाए हैं तो आपको इसका जिक्र पक्का मिला होगा। आई एम डैम श्योर कि आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, किसका नाम, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं, ठीक है, ये तो आपने डैम श्योर सुना ही सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो शायद आपने मॉक टेस्ट कोई ऐसा पकड़ लिया है जो आपका आउट ऑफ सिलेबस था, आप तैयारी कर रहे हैं SSC की और आपने मॉक टेस्ट पकड़ लिया किसी PCS का, तो वहां पे ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे था, इन सब का निर्माण कराया था इसने। और बात करते हैं आगे कि अमरावती कला का विकास किसके काल में हुआ था, ये हुआ था सातवाहन के काल में। और सत्कर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणा पथ के स्वामी कहे जाते हैं। दक्षिणा पथ का स्वामी किसको कहा जाता है, ये दोनों नाम, ठीक है, सभी सातवाहन जो थे वो क्या कहलाते थे, दक्षिणा पथ के स्वामी। बढ़ते हैं भारत के यवन राज्य, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम क्या है, उसका सही क्रम लिखिए, एग्जाम में ये पूछता है, तो आप इस लाइन को पूरा नोट करिए जो आपका येलो से हमने हाईलाइट कर रखा है, हिंद, यूनानी, शक, पहलव और कुषाण, ये सही क्रम था। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे शक के बारे में, पहलव के बारे में, कुषाण के बारे में और हिंद यूनानी के बारे में। देखिए इसमें ये सभी लाइन आप खुद पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए और रीड करिए, केवल केवल जो फैक्ट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं केवल उसकी ही बात करने जा रहा हूँ कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने करा था, उसका नाम क्या था, ये था आपका बैक्टीरिया के शासक डेमीट्रियस ने करा था। बैक्टीरिया के शासक डेमीट्रियस ने सबसे पहला आक्रमण भारत पर करा था। इसने 190 ईसा पूर्व पर भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया।
इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई और इसे ही हिंद यूनानी या फिर बैक्ट्रियाई यूनानी की संज्ञा दी गई। इसको कहा जाता है, इस नाम से पुकारा जाता है। तो सबसे पहले किसने आक्रमण करा, आपको केवल अपने नोटबुक में नोट करना है इसका नाम। और ये शासक कहाँ का था, ये था बैक्ट्रिया का। आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मिनांडर के बारे में बात करते हैं। मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, किससे? मिनांडर ने नागसेन से, बोला नागसेन बोलते हैं नागार्जुन से, क्या करा, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। देखिए प्रीलिम्स एग्जाम में जो यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। यूपी के बारे में बात कर रहा हूँ और एमपी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मिनांडर ने किससे, किस धर्म की शिक्षा दीक्षा ली थी या फिर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी थी। तो उसका नाम है आपका नागार्जुन, दे सकता है ऑप्शन में, या फिर देगा आपको नागसेन। आगे बात करते हैं कि भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी करे थे। सबसे पहले सोने के जो कॉइन थे वो किसने स्टार्ट करे थे, तो वो स्टार्ट करे थे हिंद यूनानी ने। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे क्या बोलते थे, हेलेनिस्टिक आर्ट। हेलेनिस्टिक आर्ट की शुरुआत किसने करी थी, ये करी थी हिंद यूनानी शासकों ने। आगे बात करते हैं हम लोग शक के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए ये क्रम जो भी ऊपर मैंने आपको बताया था, ये क्रम आप स्किप मत करिएगा, इस क्रम को आप लिख लीजिए। ये हिंद यूनानी, फिर बात करेंगे हम लोग शक के बारे में, पहलव और कुषाण। अब बात करते हैं हम लोग शक के बारे में, ठीक है। यूनानियों के बाद कौन आए थे, ये आए थे शक। शक की टोटल पांच ब्रांचेस थी, पांच शाखाएं थी जो पूरे पूरे भारत में फैली हुई थी। हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। तो शाखाओं के नाम कहाँ कहाँ पे थे वो ये नहीं पूछेगा, बस आपसे ये पूछेगा शक की कुल कितनी शाखाएं थी, वो थी पांच। और शक मूलतः कहाँ से आए थे, कहाँ के निवासी थे, ये थे मध्य एशिया के निवासी। और चारागाह की खोज, जो मतलब करके चारागाह की खोज के लिए ये लोग भारत आए थे। और 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। विक्रमादित्य किसको बोलते हैं, इसका रियल नेम क्या है, एग्जाम में ये पूछता है। तो इसका रियल नेम है चंद्रगुप्त द्वितीय, सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। अब बात करते हैं, देखिए शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। कब हुआ था ये वर्ष आप याद रखिएगा, 58 ईसा पूर्व। आपसे एग्जाम में ये वर्ष भी पूछ लेता है, इसलिए आप इसको याद करिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक थी, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। आगे हम बात करते हैं, देखिए शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था रुद्र दामन प्रथम। और इसने कठियावाड़ की अर्ध शुष्क सुदर्शन झील, जो किसने बनाई थी, ये बनाई थी मौर्य द्वारा निर्मित, का जीर्णोद्धार करा। मतलब ये आधी सूख जाती थी, इसका पानी का लेवल कम हो जाता था, नाली को बहुत, ये जो झील थी बहुत जल्दी खराब हो जाती थी, इसका दोबारा से क्या करा, इसने इसका निर्माण कराया, इसकी देखरेख कराई। तो वो किसने कराई थी, कटियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील। तो आपसे एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि सुदर्शन झील कहाँ पर है, ये है आपकी कटियावाड़ में, और किसने बनाई थी, इसका निर्माण किसने करा था, ये करा था मौर्य द्वारा निर्मित हुआ था ये झील। देखिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप कोई भी स्टडी करते हैं, जीएस का कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, वन लाइनर जीके में, तो आप अपने माइंड में ये बना के देखिए कि इससे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, इस लाइन से क्या क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप इस तरह से स्टडी करते हैं तो आपका एक स्किल्स डेवलप होगा और आपको उसका आंसर बहुत जल्दी याद हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बनाने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन वो क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से, बहुत स्ट्रांगली आपको याद हो जाएगा। ये अगर आप स्किल्स डेवलप नहीं करते, केवल वन लाइन जी के मैं स्पीड में पढ़ता रहूं, जैसे ऑडियो फाइल मैंने पढ़ी है लूसेंट की, तो उसमें मजा नहीं आएगा आपको, आपको बहुत कम याद रहेगा। इसलिए मैं लेके आया हूँ आप सबके सामने वीडियो। आगे बात करते हैं कि रुद्र दामन संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था, उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख लिखा था।
इसके अभिलेख का नाम क्या था? इसका अभिलेख का नाम था गिरनार अभिलेख। पर इसके पहले के सभी अभिलेख कौन सी भाषा में थे? ये थे प्राकृत भाषा में। संस्कृत में सबसे पहला अभिलेख कौन सा लिखा था रुद्रदामन ने? तो आप ये याद रखिएगा, इसका नाम था गिरनार अभिलेख। और उससे पहले जो भी अभिलेख लिखे गए थे वो थे प्राकृत भाषा में। भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थे? वो कहते थे अपने आप को क्षत्रप। वो कहते थे अपने आप को क्षत्रप। देखिए आगे हम बढ़ते हैं कुषाण के बारे में। देखिए पहलव के बाद कुषाण आए, ठीक है। पहलव के बारे में कुछ ज्यादा डिस्कशन नहीं होगा इस वीडियो में, और इस बुक में जो ये लुसेंट बुक आपको मैं दिखा रहा हूँ इसमें पहलव के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, क्योंकि उससे कुछ ज्यादा उनका क्षेत्रफल ज्यादा बड़ा नहीं था। उन्होंने भारत में आए लेकिन बहुत सारे कुछ ऐसे काम नहीं करे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हो। ऐसा कोई भी उनका कोई फैक्ट नहीं था, इसलिए हम उसको स्किप करते हैं, ठीक है। हम क्या इस बुक में स्किप कर रखा है, पहलव के बारे में आपको किसी भी विकिपीडिया वगैरह में ज्यादा खास जानकारी नहीं मिलेगी। बुक कोई भी डिजाइन होती है तो कहीं ना कहीं उसका सोर्स होता है नेट, विकिपीडिया वगैरह, या फिर कोई अन्य बुक। तो फिलहाल पहलव को आप टेंशन मत लीजिए कि पहलव कहाँ गए, क्या हुआ उनका, बहुत टेंशन हो गई तो कोई बात नहीं, आप पहलव के बारे में सोचिए और बाकी के बारे में मत सोचना, ठीक है। बोलना पड़ेगा ऐसा क्या करूँ मैं, क्योंकि जो चीज़ नहीं होती ना बच्चे उसके पीछे बढ़ जाते हैं, और जो चीज़ होती है उसके पीछे कुछ लोग बच्चे ध्यान नहीं देते। तो ठीक है, आप पहलव के बारे में छोड़ दीजिएगा, मैं अगेन बोलूंगा आपसे। देखिए उसके बाद कुषाण आए जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते थे। कुषाण को हम क्या कहते हैं? यूची एवं तोखरी, दोनों के नाम से इनको पुकारते हैं, ठीक है। यूची क्यों बोलते हैं? यूची नामक एक कबीला था एक्चुअली, पर कबीला 5 कुलों में अलग अलग बट गया। उन्हीं में से एक कुल था कुषाण, और ये कुषाण कुल ही बहुत फेमस रहा। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? इनका नाम था कुजुल कडफिसेस, और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था उसका नाम था कनिष्क। और कनिष्क कौन था? कनिष्क सम्राट अशोक का पुत्र था। अशोक ने कौन सा युद्ध लड़ा? इसके बारे में आपको पता होगा, कलिंग का युद्ध। बात करें कलिंग कहाँ पर है, ये आपको पता होगा कहाँ पर है, उड़ीसा में। और लेकिन कलिंग का उस समय राजा कौन था, मुझे ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए राजा का नाम। देखिए फिर क्या हुआ, इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी, पहली जो राजधानी थी वो थी पेशावर या फिर पुरुषपुर, और सेकंड जो कैपिटल थी इनकी कुषाणों की वो थी आपकी मथुरा। दोनों कैपिटल को आप याद रखिएगा, कुषाण लिखिए, कुषाण के बाद में आप लिखिए इसके जो, इनको हम लोग यूची एवं तोखरी कहते थे। कबीला 5 भागों में बढ़ चुका था, और सबसे प्रतापी जो राजा था वो था कनिष्क। कनिष्क की पहली कैपिटल जो थी वो पुरुषपुर या पेशावर थी, सेकंड कैपिटल कैपिटल थी मथुरा। इस तरह से नोट्स बनाइए आप, जिस तरह से मैंने अभी बोला या जिस तरह से मैंने उसको हाईलाइट कर रखा है, केवल वही फैक्ट आप लिखिए। देखिए कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुडल वन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। देखिए चौथी जो बौद्ध संगीति थी वो हुई थी कनिष्क काल में, इससे पहले एक तीसरी हुई थी, ठीक है। तीसरी या तृतीय बौद्ध संगीति जो करवाई थी वो कराई थी अशोक ने। तो दोनों ही आप याद रखिए, दोनों ही इसको नोट करिए, तीसरी कराई थी अशोक ने और चौथी कराई थी किसने? कनिष्क ने। फिर देखिए अगला फैक्ट यहाँ पर यह बनता है कि कनिष्क जो था बौद्ध धर्म को अपनाता था, लेकिन बौद्ध धर्म जो था वो दो भागों में डिवाइड था, एक था हीनयान और एक था महायान संप्रदाय। दो संप्रदाय के लोग थे बौद्ध धर्म में, लेकिन कनिष्क ने कौन से बौद्ध धर्म को अपनाया था? वो अपनाया था महायान संप्रदाय का। ये अनुयायी था या फिर शिष्य था, इस चीज का काफी मानता था इसको। आगे बात करते हैं कि आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी करी जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। देखिए अब बात करते हैं कनिष्क का जो डॉक्टर था, राजवैद्य था, वो कौन था? राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान जो था चरक। चरक किसका समकालीन था, किसके काल में आया था, किसके काल में काम करता था? वो करता था कनिष्क के काल में, ठीक है। और चरक ने लिखी थी चरक संहिता। चरक संहिता के रचनाकार कौन है, इसकी रचना किसने करी, एग्जाम में ये पूछता है आपसे, तो आप याद रखिएगा चरक से बना है चरक संहिता। और ये किसके काल में था? ये था कनिष्क के काल में। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग की, भारत का आइंस्टाइन, भारत का आइंस्टाइन किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं नागार्जुन को।
नागार्जुन का एक और नाम था जो हमने इसी वीडियो में देखा, ये भी आप बिना किसी चीटिंग के मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। इस वीडियो को बैक प्ले मत करना, अभी भेजिए, आपको चल जाएगा पता कि आपको कितना याद रहा। इसलिए मैं कहता हूँ कि चीटिंग मत करना, तुरंत अभी भेजिए, आपको चल जाएगा पता कि आप कितने अलर्टनेस के साथ में कितने ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। देखिए फिर बात करते हैं कि इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने किस बुक में दिया है, ये दिया है नागार्जुन ने अपनी बुक माध्यमिक सूत्र में। बात करते हैं कनिष्क के डेथ के बारे में, इसकी डेथ कब हुई, ठीक है, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। कनिष्क की डेथ हुई थी 102 ईस्वी में, और कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, वो था वासुदेव। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासन काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था, देखिए गांधार शैली का जो विकास हुआ था या फिर मथुरा शैली का विकास किसके काल में हुआ था, अगर आपसे ये पूछेगा तो इसका राइट आंसर होगा कनिष्क के शासन काल में हुआ था। बात करें रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो थे कुषाण। रेशम मार्ग का मतलब ये होता है कि काफी सॉफ्ट जो रोड होती थी, मार्ग बनते थे कि नियंत्रण काफी अच्छा होना चाहिए, मार्ग का मतलब आवाजाही काफी अच्छी होनी चाहिए, इसके बारे में जो काम करा मैक्सिमम करा कुषाण ने। अब बात करते हैं रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार, रेशम जो बनता था उसकी तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था चीन में। देखिए कुषाण से रेशम की बात करी जाए, रेशम मार्ग अलग हुआ और रेशम जो बनाते थे वो अलग मैटर है, दोनों में डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे इसने इस बुक में ऐड कर रखा है इसलिए मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। देखिए गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त साम्राज्य का जो उदय हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था प्रयाग के निकट कौशाम्बी में और 3री शताब्दी के अंत में। तो दोनों ही चीज आप याद रखिएगा, कब हुआ था, 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में इसका उदय हुआ था। आगे बात करते हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक फाउंडर जन्मदाता फादर पिता किसको कहते हैं, आपसे एग्जाम में कुछ भी कह सकता है, ये सारे नाम कुछ भी पूछ सकता है वो एग्जाम में, तो आपको याद रखना है इसका नाम है आपका श्री गुप्त, 240 से लेकर के 280 ईस्वी तक। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ, श्री गुप्त का उत्तराधिकारी कौन था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था घटोत्कच। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। देखिए गुप्त वंश का ठीक है 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग में इसकी स्थापना हुई, इसकी नींव रखी, ठीक है, और संस्थापक जो था श्री गुप्त था, लेकिन गुप्त वंश में जिसने महान काफी काम करे बहुत सारे जो फेमस हुआ वो कौन था, ठीक है, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट जो बना था वो बना था आपका चंद्रगुप्त प्रथम, इसका नाम आप मत भूलिएगा। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी और गुप्त संवत की शुरुआत करी। चंद्रगुप्त प्रथम ने, इसने बहुत सारे काम करे और गुप्त संवत की शुरुआत कब करी थी इसने, 319 से 320 ईस्वी में। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा, ठीक है, आप याद रखिएगा केवल और केवल इतना कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना, ये बना समुद्रगुप्त। और भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं फिलहाल, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, ये थे हरिशेण। और समुद्रगुप्त किसका उपासक था, किसकी पूजा करता था, किसको मानता था, ये मानता था विष्णु को। और समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण करी थी, किसने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण करी थी गुप्त वंश में, उसका नाम क्या है, एग्जाम में ये पूछेगा, आपको चार ऑप्शन देगा, आपको याद रखना है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को एक्चुअली संगीत से काफी प्रेम था, म्यूजिक वो बहुत सुनता था, म्यूजिक काफी बजाता था, तो ऐसा अनुमान हमको कैसे लगा कि आखिरकार उसको संगीत से कैसे प्रेम था, लोग कहते हैं क्यों कहते हैं, ये पता चला हमको उसके सिक्कों से, जो उसके कॉइन्स हमको मिले उस कॉइन्स में उसको वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। तो इस तरह से ये अंदाजा लगाया गया कि समुद्रगुप्त को संगीत से प्रेम था। जैसे कि आप लोग कभी गिटार बजाते होंगे तो अपनी एक
पिक लेते हैं और अपनी डीपी में लगा देते हैं, फेसबुक वॉल पे लगा देते हैं या फिर कहीं और शेयर कर देते हैं उस पिक को। मतलब ये है कि आपको गिटार्स की काफ़ी रुचि है। वो बात अलग है कि कुछ बच्चे टशन मारने के लिए गिटार को पकड़ लेते हैं, उनको ये नहीं पता कि गिटार बजाया कैसे जाता है, वो अलग मैटर है। लेकिन वीणा वादन जो था सिक्कों पर अंकित था किसके, ये था समुद्रगुप्त के। देखिए समुद्रगुप्त ने विक्रम की उपाधि धारण की थी और इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त सेकंड हुआ जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फायान भारत में आया था। किसके काल में चीनी बौद्ध यात्री फायान भारत आया था? तो ये आया था आपका चंद्रगुप्त सेकंड के काल में, चंद्रगुप्त सेकंड के काल में। आगे बात करते हैं कि शकों का विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के चलाए थे। शकों पर विजय प्राप्त के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या करे थे? चांदी के सिक्के चलाए थे। आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त फर्स्ट या गोविंद गुप्त हुआ। ठीक है, आगे जो फैक्ट है वह है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? ये करी थी कुमारगुप्त ने। किसने करी थी? कुमारगुप्त ने। आप लिखिए अपने नोट्स में, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी कुमारगुप्त ने, और इसको याद करिए। स्कंद गुप्त ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। ठीक है, सुदर्शन झील कौन से पर्वत पर स्थित है? अब अगर आपसे ये पूछेगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हर तरह से क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करिए, उसमें से क्वेश्चन बनाइए। पढ़ने में स्पीड कम आएगी लेकिन आपकी स्टडी काफी स्ट्रांग हो जाएगी। देखिए क्या होता है, मैं आपको साफ साफ कहना चाहूंगा कि देखिए पन्ने पलटने से कुछ नहीं होता, ढेर पढ़ने से कुछ नहीं होता। एग्जाम करीब है, आप जोश खरोश में पढ़ तो लेते हैं, ठीक है, आप पढ़ेंगे जरूर, आपकी बुक भी 15-20 दिन में पूरी खत्म हो जाएगी। लेकिन आप एक बात का याद रखिएगा कि आप एक तेज रफ्तार वाले घोड़े पर सवार तो होंगे लेकिन उसकी लगाम आपके हाथ में नहीं होगी। जब आपके पास घोड़े की लगाम आपके हाथ में नहीं है, घोड़े का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, तो ऐसे तेज भागने से फायदा भी क्या? तो तेज मत भागो, स्लो भागो, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो भागना ही नहीं है, केवल चलना है। भागने से क्या होगा, बहुत जल्दी थक जाओगे और अचीव कुछ नहीं कर पाओगे। साफ सीधी बात है, ना तो रुकना है ना ही दौड़ना है, बस केवल चलना है। चलते चलते आप लोग मंजिल आराम से पा जाएंगे, पेशेंस बनाए रखिए। देखिए चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के चलाए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी कुमार गुप्त ने, स्कंद गुप्त ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया। आगे बात करते हैं अंतिम गुप्त शासक कौन था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था भानुगुप्त। देखिए पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी कौन होता था, उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे दंडपासिक। दंड मतलब पनिशमेंट, पनिशमेंट कौन देता है? वो देता है पुलिस। मतलब पुलिस विभाग का नाम क्या हो गया? मुख्य अधिकारी कहलाता था दंडपासिक। देखिए पुलिस विभाग का एक आम जो कर्मचारी होता है, जैसे कि आप बोलते हैं प्यून, सफाई कर्मचारी, जो ऑफिस का जो वर्क करता है, यहाँ से वहाँ फाइल चेक करता है, छोटे मोटे कर्मचारियों को उस समय क्या कहते थे? उस समय कहते थे चाट एवं भाट। अब देखिए भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। देखिए मैं बाकी की डिटेल इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ऑडियो फाइल ऑलरेडी बन चुकी है इस चैनल पे। आपको अगर आपको सुनना है केवल हर एक लाइन टू लाइन, तो आप उस ऑडियो फाइल को वॉच कर सकते हैं, वॉच नहीं एक्चुअली लिसन कर सकते हैं, सुन सकते हैं। मैं केवल उतना ही पढ़ा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल में कौन सा स्थान व्यापार का केंद्र था? आपसे ये पूछेगा तो आपको याद रखना है उज्जैन। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी करी। सबसे ज्यादा सोने की मुद्रा किसने जारी करी थी, किस राजा ने जारी करी थी, किस वंश के राजाओं ने जारी करी थी? तो गुप्त राजाओं ने सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी करी थी। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेख में दिनार कहा जाता है। जो इसके द्वारा प्राप्त अभिलेख थे उसमें लिखा गया है, हम तो अभी हमको बोल रहे हैं स्वर्ण मुद्राएं, मुद्रा मतलब कॉइन्स, हम समझ गए कि हाँ कॉइन्स की बात कर रहा है, लेकिन वो कहते थे इसको दिनार। वहां पे मुद्रा का जिक्र नहीं है, वहां पे मुद्रा कहीं नहीं लिखा हुआ, वहां लिखा हुआ है दिनार। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य के स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन औशनम स्मृति में मिलता है। सबसे पहले कायस्थों का जो शब्द प्रयोग हुआ था वो हुआ था किसमें? औशनम स्मृति में।
किसमें? ओसनम स्मृति में। आगे बात करते हैं, विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पूछा जाता है आपका एमटीएस एग्जाम में। देखिए एमटीएस एग्जाम ज्यादा हायर एग्जाम नहीं है एसएससी सीजल के कंपैरिजन में, लेकिन इतना बेसिक क्वेश्चन एसएससी सीजल वालों को भी नहीं पता होता। अगर आपको पता है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ये बुक आपने अच्छे से स्टडी कर रखी है, मैं ऐसा मानता हूँ। देखिए विंध्य जंगल में एक जाति हुआ करती थी, उसको बोलते थे सबर। वो क्या करती थी, वो अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए मनुष्य का मांस चढ़ाती थी, मतलब मनुष्य की हत्या करती थी। ये जाति कौन थी? ये थी सबर जाति। और कौन से जंगल में पाई जाती थी? ये पाई जाती थी विंध्य जंगल में। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। लेकिन सबसे पहले जो सती का जो हुआ ये प्रमाण मिला, ये हमें कब मिला? ये मिला 510, जो हमने हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। और कौन से अभिलेख में हमको पता चला कि यार वास्तव में ऐसा कुछ प्रथा थी? ये थी भानुगुप्त ने एक अभिलेख लिखा था, इस अभिलेख का नाम था एरण अभिलेख। आप भानुगुप्त को भी याद कर लीजिए, ठीक है। भानुगुप्त को भी स्किप मत करिए, नोट्स में चार चांद लग जाएंगे अगर आप तीनों ही नोट करते हैं। भानुगुप्त, 510, एरण अभिलेख, सती प्रथा, ठीक है। अब देखिए सती प्रथा में क्या होता था मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद आपको पता भी होगा काफी सारे बच्चों को। देखिए सती प्रथा में क्या होता था कि पति की मृत्यु के बाद में उसकी पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं रह जाना चाहिए समाज में। ये एक ऐसी प्रथा थी। इन शॉर्ट में ये मतलब कहने का ये है कि जब पति का दाह वसन करा जाता है, जब उसका अंतिम संस्कार करा जाता है, तो उसकी अर्थी पर उसकी जिंदा पत्नी को भी बिठाया जाता है। तो दोनों को एक साथ जलाने की प्रथा थी। अगर वो नहीं जलना चाहती, अगर वो नहीं सती होना चाहती महिला, वैसे वास्तव में जिंदा जलना कोई नहीं चाहता, वो तो ठीक है एक्सपायर हो गया, मर गया, उसकी मृत्यु हो गई उसके पति की, लेकिन जिंदा शरीर को जलाते समय सोचिए कितनी पीड़ा होती होगी उस महिला को। अगर नहीं मानती थी अगर ये महिला, तो उसके डंडों से चारों ओर से उसको घेर लेते थे और उसको जलती हुई अर्थी से बाहर नहीं निकलने देते थे, ऐसी प्रथा थी ये। चलिए इस प्रथा के बारे में ज्यादा जिक्र मैं नहीं करूंगा। देखिए आगे बात करते हैं हम लोग की, गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था, बुद्ध वैश्याओं को कुटनी कहा जाता था। जो वृद्ध वैश्याएं थी, ठीक है, जो बूढ़ी वैश्याएं थी उनको क्या बोलते थे? कुटनी। जो एजिड महिलाएं थी, जो वैश्याओं का काम करती थी, उसको बोलते थे कुटनी। और वैश्यावृत्ति करने वाली महिला को बोलते थे गणिका। देखिए केवल गणिका के बारे में कई बार जिक्र हुआ आपके एग्जाम में, और ये कुटनी के बारे में जिक्र बिल्कुल भी नहीं हुआ है, लेकिन इसको याद कर लेंगे। पता नहीं एग्जाम में कब क्या पूछ ले, तो कम से कम ये बुक तो आपको अच्छे से फिनिश करनी है, क्योंकि एग्जाम एक जंगल के समान है, पता नहीं आपका कब किससे मुलाकात हो जाए। मतलब कि अगर आपको जंगल में शिकार करने जाना हो खरगोश का, तो हथियार कम से कम लेके चलो शेर के, टाइगर के। अगर सामने शेर आ गया तब क्या करोगे, क्या बोलोगे उससे? भाई हम तुझे मारने नहीं आए थे, हम तो खरगोश पकड़ने आए थे, तू साइड हो जा। वो मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। देखिए अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में एट प्रेजेंट वर्तमान में कितनी गुफाएं शेष बची हैं? ये बची हैं 6। 29 में से 6 गुफाएं अभी प्रेजेंट में सही हैं, बाकी सब गुफाएं क्या हो गई? टूट फूट गई और वो बंद हो गई हैं। आगे बात करते हैं, गुफा संख्या 17 के चित्रकला को चित्रशाला कहा जाता है। किस गुफा संख्या को चित्रशाला कहा जाता है? ये कहा जाता है गुफा संख्या 17 को। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महान मतलब महायान शाखा संबंधित है। अजंता की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये तो सही है, लेकिन बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड था, तो उसकी शाखाएं दो थी। कौन सी शाखाएं थी? एक था हीनयान और एक था महायान। तो अजंता में केवल महायान शाखा का ही जिक्र करा गया है। आगे बात करते हैं कि गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा, जो ग्वालियर के समीप बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई है। बाघ की गुफा कौन से पर्वत को काटकर बनाई गई है? उस पर्वत का नाम क्या है? तो उस पर्वत का नाम है विंध्य पर्वत। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास था। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। सबसे ज्यादा प्रचलित ग्रंथ कौन सा है? वो है विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र। और बाइबल के बाद इसका स्थान क्या है? दूसरा स्थान है। सबसे पहले पर कौन है? बाइबल। और सेकंड पर जो है वो है पंचतंत्र। दोनों की आप कैटेगरी क्या
क्या है, पहले नंबर पे कौन सा है, सेकंड नंबर पे कौन सा है, ये आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कि आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये बताया था आर्यभट्ट ने। और इसने दो ग्रंथ लिखे, कौन से, आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत। नेक्स्ट जो फैक्ट है इस बुक में, लुसेंट बुक में, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वान थे आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त आदि। ये प्रमुख विद्वान थे चंद्रगुप्त सेकंड के। आगे बात करते हैं, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयका कहा जाता है। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई थी। और मंदिर बनाने की कला, एक्चुअली मंदिर पहले इतने नहीं हुआ करते थे, मंदिर सबसे पहले बनाने की जो कला स्टार्ट करी थी वो किसने करी थी, इसका जन्म कब हुआ था, इसका जन्म हुआ था गुप्त काल में। और सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, कौन से काल को कहा जाता है, एग्जाम में ये पूछेगा आपसे, तो आप याद रखिएगा, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। बच्चों, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि नोट्स प्लीज़ ज़रूर बनाएं। नोट्स अगर आप नहीं बना रहे हैं तो इस वीडियो को देखने का कोई अर्थ नहीं बनता, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि नोट्स बनाइए। और जो भी आपके फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब करने के बाद में उसके बगल में आपको दिखाई देगा एक बेल आइकन, उस बेल आइकन पर क्लिक जरूर जरूर करें। क्योंकि अगर आप ब्लैक अगर इस आप लोग बेल आइकन पे क्लिक नहीं करते हैं तो आपको इस चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे अलविदा, मिलता हूं जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।